कब्ज का 100% रामबाण उपाय आयुर्वेदा में मिलता है। जब भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है बच्चों में या फिर बड़ों में, तुरंत लैक्सिटिव्स लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसको बार बार नहीं लेना चाहिए। इससे आपके इंटेस्टाइन लिवर पे असर आ सकता है। आप सिंपल हर्बल मेडिसिन से भी पेट साफ कर सकते हैं। इसमें वेरियस टाइप ऑफ टैबलेट्स यूज होती है, चूर्ण यूज़ होता है, गाय का दूध और गाय का घी पेशेंट को पिलाया जाता है। हार्डनेस ऑफ स्टूल है और रेडनेस है, यानी कि ब्लीडिंग हो रहा है स्टूल और यूरिन में से, तो ब्लीडिंग रोकने के लिए दवाई दी जाती है। एरंडिया का तेल इसमें बहुत अच्छा काम करता है। एक वार्म वाटर में एक एक चम्मच सुबह शाम देते हैं, या फिर अगर वो मोशन क्लियर नहीं हो रहा है तो दो दो चम्मच भी आप ले सकते हैं। त्रिफला चूर्ण रोज़ पानी में रात को भिगो के रख दीजिए और सवेरे उठ के ही भूखे पेट पी जाइए, तो भी आपको इससे पेट साफ हो जाएगा। या फिर आंकड़े का पत्ते में एरंडिया का तेल लगा के पेट पे और नाभि पे बांधने के लिए देते हैं, तो उससे भी पेट साफ हो जाता है। रोज़ गाय का घी नाभि पे पेट पे लगा के आप सो जाइए। डेली आप ऐसे एक्सरसाइज करेंगे तो तुरंत पेट साफ हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इन फ्यूचर आपको इसके वजह से बाइल्स फिशर्स या फिर फिस्टुला भगंडर भी हो सकता है। और क्रॉनिक केसेस में ऐसे पेशेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। हमारे यहाँ 2 बार 3 बार 4 बार सर्जिकल ट्रीटमेंट करने के बाद भी, पाइल्स का ऑपरेशन करने के बाद भी, फिर से रीअपेरियंस होने वाले कितने ही पेशेंट रिपीटेड आते हैं, और ऐसे मसले लेकर आने वाले सब पेशेंट्स को प्योर हर्बल मेडिसिन और पंचकर्म की ट्रीटमेंट दी जाती है, और थोड़े ही दिनों में ऐसे पेशेंट्स के मसले पूरे गायब हो जाते हैं। कम्प्लीटली कॉन्स्टिपेशन और हार्ट स्टूल हाइपर एसिडिटी से उनको परमानेंट रिलीफ दिया जाता है, तो ये ऐसे परमानेंटली क्योर हो जाते हैं। तो आप भी इसे अपनाइए और लॉन्ग लॉन्ग लाइफ बनाइए।